कुछ दिनों में खाकी वर्दी पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कुछ मामले में ऐसे भी आते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है। शायद ही आपने कहीं सुना होगा कि सिपाही ने अपने बड़े अफसर को कानून का पाठ पढ़ाते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की हिम्मत दिखाई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक बीट गार्ड ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि लोगों को अजय देवगन की फिल्म सिंघम का एक सीन याद आ गया। छत्तीसगढ़ में कटघोरा क्षेत्र के बाकी मोंगरा में बांसबाड़ी के अंदर बांस काटने को लेकर रेंजर और बीट गार्ड में जमकर विवाद हो गया। अपने अफसर को बीट गार्ड ने खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कह दिया था कि 3 स्टार लग गया पर नियमों की जानकारी नहीं रखते हो। जिनके आदेश में सब हो रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में, आप बात क्या कर रहे हो? आप खुद को कैसे 3 स्टार लगा लियो यार? इसके बाद बीट गार्ड ने रेंजर सहित 11 मजदूरों के खिलाफ पंचनामा तैयार कर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। इससे पहले बीट गार्ड ने दोनों अधिकारियों को दस्तखत करने के लिए बुलाया था, लेकिन अधिकारियों ने आनाकानी की। इस पर बीट गार्ड ने कहा, आप अधिकारी होंगे, यहाँ पर आप बांस काटने के आरोपी हो, मैं मामला दर्ज करके रहूंगा। अभी आप रेंजर नहीं हो मेरे, अभी ये मौके पे अपराधी हो आप लोग, नहीं समझ क्यों रहे बात को? हाँ, अभी नहीं हो मेरे रेंजर आप। ठीक, वो होंगे जो होंगे, वो ऑफिस में देखूंगा रेंजर और डिप्टी को, उनके सर्किल में देखूंगा। यहाँ अपराधी हो मौका स्थिति में आप, ये आपके लेबर का पूरा बयान है। उधर भी वीडियो पर बताइए, जिनके आदेश में सब हो रहा है रिजर्व फॉरेस्ट में, आप बात क्या कर रहे हो? आप खुद को कैसे 3 स्टार लगा लियो यार? आप समझ नहीं आता, चलिए दस्तखत करिए, अपराधी बयान में भी लूंगा दस्तखत, आपका बयान लिखूंगा, मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को जंगल में अवैध तरीके से बांस काटने के मामले में बीट गार्ड शेखर रात्रे ने रेंजर को सख्त लहजे में कहा, मैं इस बीट का प्रभारी हूँ, मेरी जानकारी के बिना कैसे बांस की कटाई की गई? 3 स्टार लगाते हो और नियम मालूम नहीं? नियम कानून पता है या नहीं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बांस कटाई का? बताया जा रहा है कि रेंजर के द्वारा यहां पर अवैध कटाई करवाई जा रही थी। शेखर ने कहा, मैंने पंचनामा बनाकर आरक्षित वन के धारा 61/1 के तहत कार्रवाई की है, धारा 52 के तहत जब्त किया गया है। वहीं वन आरक्षक राजकुमार यादव ने कहा कि रेंजर के आदेश पर बांस की कटाई की जा रही थी। बीट गार्ड को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई। हंगामे के दौरान रेंजर मृत्युंजय शर्मा भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने बांस कटाई के संबंध में कोई दस्तावेज होने से इनकार किया और कहा कि विभागीय स्तर पर कटाई हो रही है, समिति के माध्यम से इसे कराया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई आदेश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर। साहब हो गए अपनी जगह में, ये मेरा फील्ड है, यहाँ पे अवैध हुआ है तो आप अपराधी हो यहाँ पे, और आप भी सर। अरे यार, मैं कहने का मतलब ये तो विभागीय रूप विभागीय उपयोग के लिए है। आदेश तो कुछ कागजात कुछ नहीं है ना सर यहाँ पे सर कुछ? आप रहोगे तब ना, आप तो थे नहीं। मेरे को तो DFO मैडम आदेश किए 4 बजे मेरे को निकलने के लिए, कल रात में 15 तारीख को आप आदेश निकाले कि आप जाइए रानी कुंडी करके मरवाही डिवीजन, वहाँ छतरी गार्ड लोड करके लाइए। 4 बजे निकला हूँ, आप लोग रात ही में निकलने के लिए बोले तो रात में जाके, अपन रात में नहीं गए, सुबह 4 बजे निकला हूँ, कल 16 तारीख में सब काम हो गए, 16 में नहीं रहा था, रात को 12 बजे वापस आया हूँ वहाँ से मैं, और यहाँ ये सब घटना हुआ है आज, मेरी पूरा मीडिया प्रेस आया था, इसके बाद मैं आया हूँ कि देखा मौका क्या हुआ है। नहीं हुआ है, ये विभागीय उपयोग के लिए है ये, और समिति के माध्यम से। ठीक है सर, अभी मौका में जब गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं, इसका PUR दर्ज करूंगा मैं, चलान काट के भेजवाऊंगा कसनिया डिपो, गिरे हुए बांस को ही कर रहे हैं। आप अपराधी हो, अभी दस्तखत करेंगे कि नहीं ये बताइए, यहाँ कोई साहब वहाब नहीं हो, नियम से चल रहा हूँ मैं सर, कोई आप भी साहब नहीं, अभी अपराधी हो आप, मौके पे बात मत करो, दस्तखत करना करो नहीं दस्तखत करने से निकाल लीजिए इज्जत। क्या कहता है करिए, चलिए दस्तखत इसमें जब्ती नामा, आपसे जब तक क्या, जब आपका बयान पढ़ते तुम्हारा आपके सामने होगा, ये सुनिए भाई, अपराधी हो तो भाई अपराध किस करना नहीं करना, फिर डिप्टी का काम जांच करना उनका काम है, मैं जब कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरा फील्ड है रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ एक पत्ता नहीं मिल सकता, धारा 26 का कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, अवैध कटाई सफाई है नहीं होना है, अब बिना सीजन के भी कुप का सीजन नहीं, फरवरी मार्च में होता है कुप बांस कटाई, कहीं कुप का कुछ निशान दिखा है क्या यहाँ पर, अवैध हो रहा है ना, तो आप फौज में रहिए, चलिए दस्तखत करिए, गलत काम करोगे उल्टा मेरे फील्ड में आके, आप रेंजर हो गए अपने जगह पे, बिजली के मालिक मैं हूँ,
समझ गया ना? चलो दस्तक करे राम कुमार को बुलाओ, है ना? राम कुमार को ही बुला रहा हूँ। कहाँ राम कुमार, बुला तो। चलो अपराधी हो, अपराधी तरह से रहो। समझ गए ना? दस्तक करो, चलान करूँ आपका कोर्ट तुरंत। वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? रिजर्व फारे से मैं क्या डालू, की नियम कानून पता है? प्रिस्टा लगा के बैठे हो यहाँ पे, ट्रेनिंग किया हो तरीके से? उसके आदेश कर दोगे? बुलाओ मैडम को, डीएफओ को बात करता हूँ। आदेश है डीएफओ का, आपका आदेश ऐसा थोड़ी ना होता है। खुद आदेश जारी कर दोगे, खुद ऐसा कार्रवाई कर दोगे? गलत काम कर रहे हो ना, दिखा तो